अस्सलाम वालेकुम मेरी सेंसिबल्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मिलते हैं एक न्यू इजीएस्ट रेसिपी के साथ जो बड़े और बच्चे सब इंजॉय करते हैं। ये है श्रिम्प नूडल्स या श्रिम्प्स स्पगेटी या श्रिम्प्स चाउमिन, ठीक है, और विद टोमेटो सॉस। ये मैंने फ्लैट वाले नूडल्स लिए हैं, ठीक है। आप ये इसमें ज़्यादा टेस्ट आता है बिकॉज़ ये फ्लैट होते हैं तो अच्छी मिक्सिंग सी हो जाती है। तो आई हैव टेकन दिस स्पगेटी। अच्छा, इसमें श्रिम्प्स हैं। अगेन यू गॉट एन ऑप्शन कि आप चाहें तो आप चिकन ले सकते हैं या बीफ ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कीमा मत लीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल टेस्टी नहीं बनेगा इस तरह से। ऑलराइट, तो मैंने क्वार्टर केजी जो है श्रिम्प्स ले लिए हैं। अच्छा, 4 to 5 टेबलस्पून्स टोमेटो केचप ली है मैंने, और 3 to 4 टेबलस्पून्स टोमेटो पेस्ट, 1 tablespoon जिंजर गार्लिक, और 1 teaspoon ब्लैक पेपर, और 1.5 teaspoon तंदूरी मसाला पाउडर ले लीजिए। आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिए। मुझे आई एम फॉन्ड ऑफ मेहरान, तो मैंने मेहरान मसालों का तंदूरी मसाला लिया है, ठीक है। इट्स 1.5 teaspoon। ये एक बड़ी कैस्पियम ली है मैंने, ग्रीन कैस्पियम, शिमला मिर्च कह लीजिए आप, और ये एक मीडियम साइज़ का अनियन मैंने कट करके रख लिया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें चाहिए नमक हसबे ज़ायका, चिली सॉस, और अगर आपने बहुत स्पाइसी बनाना है तो ये जिंजर गार्लिक चिली सॉस ले लीजिएगा, अदरवाइज यू डोंट नीड द सॉस। और ये है सोया सॉस, दैट्स इट। बस इन इंग्रेडिएंट्स के साथ हम अपने प्रॉन चाउमीन बनाते हैं। ऑलराइट, चलिए चलते हैं आप कुकिंग की तरफ। ये हमने लो हीट पे पैन हॉट कर लिया, इसमें हमने ऑयल लिया है अराउंड क्वार्टर कप ले लें या अराउंड लेस देन हाफ कप ले लीजिएगा ऑयल, ठीक है। उसको आप उसके अंदर सबसे पहले डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा कलर चेंज इसका होगा, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे श्रिम्प्स, इसको थोड़ा सा आप इसमें स्टर करें। श्रिम्प्स बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, इसको ओवर कुक नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जो चाइनीज रेसिपीज होती हैं, हम सब जानते हैं कि वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड हेल्दी कंसिडर की जाती हैं, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा भूनना भाना नहीं होता, और जो भी उसकी जो फ्रेशनेस होती है या जो भी उसकी न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो सब आपको मिल जाती हैं, ठीक है। देखा जाए तो ये पूरा एक होल मील है, एंड इट हैज़ फैट, इट हैज़ स्टार्च, इट हैज़ वेजीज, इट हैज़ फाइबर, तो हर कुछ हमें इसमें मिल रहा है, सही है। इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर और ये तंदूरी मसाला और ब्लैक पेपर। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे ये जो अनियंस हमने काट के रखे हैं, दीज आर द अनियंस दैट गो इनसाइड। थोड़ा सा इसको स्टर करेंगे। नेक्स्ट वी आर गोना ऐड ग्रीन कैस्पियम, ऑलरेडी कितना ब्राइट कलर आ गया है, जस्ट बाय एडिंग द ग्रीन कलर इट रियली मेक्स द फूड रियली रियली एपेटाइजिंग, ठीक है। थोड़ा सा फ्लेम मैं रेज करूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। नाउ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितनी आपको सॉल्ट चाहिए आप इसमें ऐड कर दीजिए। पहले कम करिए ना, अगेन बीपी को हाई तो करना नहीं है हमने, ठीक है। इट्स अ वेरी हेल्दी रेसिपी, बच्चे भी इसको बहुत इंजॉय करेंगे और बड़े भी। अगेन श्रिम्प्स कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग श्रिम्प्स नहीं पसंद करते, तो आप इसके बदले में चिकन क्यूब्स डाल लें या आप उसको
बीफ या मटन भी ऐड कर सकते हैं श्रेडेड फॉर्म में, इट्स टोटली ऑन यू. मतलब प्रोटीन सोर्स और फैट सोर्स आप अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकते हैं, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. ऑलराइट, अब इसको थोड़ा सा हम 5 मिनट्स भी नहीं, 2-3 मिनट्स हम इसको स्टर करेंगे ताकि थोड़ा सा ये प्रॉपरली कुक्ड हो जाए. अच्छा, इस रेसिपी के बारे में मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये रेसिपी मैंने 5-star होटल में खाई थी एंड इट्स रियली कॉस्ट मी अ लॉट. और घर में हम बहुत अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में सिमिलर बिल्कुल वैसे ही टेस्ट की बना सकते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छी. अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो पेस्ट, क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो टोमेटो पेस्ट ही है. और टोमेटो पेस्ट आप इसमें ऐड कर लेंगे. रेड सॉस में मुझे फूड बहुत ज़्यादा एपेटाइजिंग लगता है, कुछ लोग वाइट सॉस में भी बनाते हैं, बट आई पर्सनली प्रिफर रेड सॉस. ठीक है, नाउ स्टेप बाय स्टेप वी आर गोना ऐड द स्पेगेटी, नॉट इन वन गो, सो दैट इट्स गोइंग टू बी ईजी मिक्सिंग. हमने हाफ ऐड कर लिया, इट वॉज 1 पैकेट, सो आई हैव ऑलरेडी एडेड हाफ ऑफ द स्पेगेटी और अब मैं इसको स्टेयर कर रही हूँ. ऑलरेडी आप देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है और हार्डली 5 मिनट्स हुए होंगे अभी मुझे. मैं इसको स्लो लो फ्लेम कर रही हूँ अगेन बिकॉज आई एम गोना मिक्स इट प्रॉपरली. नाउ आई एम गोना ऐड द रिमेनिंग, क्योंकि ऑलरेडी दे आर मिक्स. ओके, आई जस्ट एडेड टोमेटो पेस्ट और अभी भी देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर और अगेन द स्मेल्स, इट रियली स्मेल्स गुड. ठीक है, बाकी स्पगेटी मैंने डाल दी है. राइट, स्पेगेटी का एक टास्क जो होता है थोड़ा सा टाइनिंग होता है वो ये है मिक्सिंग इट प्रॉपरली थ्रू आउट, इवनली मिक्सिंग द स्पेगेटी. सो स्पेगेटी को हम बहुत इवनली मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नाउ वी गोना ऐड सोया सॉस. इट्स बेटर इफ यू एड 2 टेबल स्पून, तो इट्स इनफ, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है सोया सॉस से. ओके, इट्स ऑलमोस्ट डन. द अरोमा एंड द स्मेल इज सो गुड. राइट, प्रॉपरली हमने इसको मिक्स कर दिया है. राइट, वी हैव एडेड सोया सॉस, वी हैव एडेड, नाउ लास्ट इंग्रेडिएंट जो है हम उसमें डालेंगे टोमेटो केचप. राइट, आई थिंक दैट्स अबाउट इट, लिटिल बिट मोर, आई थिंक दैट अबाउट इट. दीज सॉसेज आर अकॉर्डिंग टू योर फ्लेवर, कोई कम डालता है कोई ज़्यादा डालता है, अगेन इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट बड्स. कुछ जो थोड़ा सा स्वीट एंड सावर टेस्ट चाहते हैं तो वो थोड़ी सी टोमेटो केचप जो है वो ज़्यादा डालते हैं, बट आई प्रिफर अ लिटिल बिट ऑफ टिंजी टेस्ट, तो मैं इतनी ज़्यादा टोमेटो केचप यूज नहीं करती. आई थिंक आई एम गोना ऐड लिटिल बिट मोर. Almost done. It's almost done. And boy, it looks really yummy. आप देखिए कितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में हमने घर में बना लिया है एंड इट ऑलमोस्ट कॉस्ट ओनली 1/3 ऑफ द प्राइस दैट वी यू नो गॉट फ्रॉम द 5-star होटल. अब हम अपने स्टोव को स्विच ऑफ करेंगे.
एंड इट्स डन। ये देखिए व्यूअर्स, मेरे सेंसिबल्स कितने यमी श्रिम्प स्पगेटी इन टोमेटो सॉस रेडी हो गए हैं। और बिलीव मी, जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा ये टेस्ट में यमी हैं और बहुत ही न्यूट्रिशियस हैं। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने घर वालों को ज़रूर खिलाइएगा, क्योंकि ये बहुत मज़े की रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये आज की रेसिपी। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।